नमस्कार दोस्तों, मैं राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। दोस्तों, हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्टॉक ट्रेड हो रहा है 62 पैसे पे। दोस्तों, वीडियो बाहर बना रहा हूँ, आपको बैक साइड में कुछ आवाज़ें आ सकती हैं, आप उसे अवॉइड कीजिए। मैं ले चलता हूँ आप लोगों को चार्ट पे, वहाँ पे हम चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक ने जो मैक्सिमम टाइम में रिटर्न दिया वो दिया है -27.06% का, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है -32.97% का, एंड 1 ईयर में रिटर्न दिया है 244.44% का। पिछले एक साल में स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है, ये टिल डेट रिटर्न दिया है 244.44% का, 6 मंथ में रिटर्न दिया है -7.46% का, 1 मंथ में रिटर्न दिया है -39.81% का, 5 डेज में रिटर्न दिया है -11.43% का, एंड 1 डे में रिटर्न दिया है -1.59%। दोस्तों, हम आगे इसके अंदर वेबसाइट पे, यहाँ पे हम और डिटेल एनालिसिस करेंगे वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड का। दोस्तों, कंपनी के बारे में जानते हैं। वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन इज़ एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल सेकेंडरी एजुकेशन। ये जो कंपनी है बेसिकली जो काम करती है, जो धंधा करती है, जो व्यापार करती है, ये टेक्निकल और वोकेशनल सेकेंडरी एजुकेशन के फील्ड में काम करती है, उसका ये बिजनेस करती है। ले चलता हूँ मैं आप लोग को इसकी वेबसाइट पे। वेबसाइट नहीं खुल रही है दोस्तों। इसकी जो मार्केट कैप है वो है 26.7 करोड़ की है। इसकी जो करंट प्राइस है 63 पैसे की है। इसकी जो 52 वीक हाई है 1.65 रुपये की है। 52 वीक जो लो है 18 पैसे का है। स्टॉक की जो पी है 17.41 की है। इसकी जो बुक वैल्यू है 1.49 की है, 1.49 रुपये की है। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है 0 की है। आरओसी है 0.66% की है। आरओई है 0.48% की है। इसकी जो फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ की है। दूसरे चार्ट है वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड का। ये जो अभी ट्रेड हो रहा है 63 पैसे पे। इसकी प्रॉस चेक करते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, लगभग कर्जमुक्त कंपनी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.4 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है अभी 0.4 टाइम्स की बुक वैल्यू का ट्रेड हो रहा है। कौन चेक करते हैं। टू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज़ नॉट पेइंग और डिविडेंड। कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है लेकिन ये डिविडेंड पे नहीं कर रही है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -55.01% ओवर पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है -55.01% की। प्रमोटर होल्डिंग लो, प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है 23.13% की है। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 0.54% फॉर लास्ट ईयर। पिछले 3 सालों में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है वो कम रहा है, 0.54% का रहा है। कंपनी हैज़ हाई डिबेटर्स ऑफ 10,835.60 डेज। कंपनी का जो डिबेटर्स है वो हाई है 10,835.60 का है। पीयर कंपनी जब चेक करते हैं, जो कंपनी जो बेसिकली काम करती है आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम करती है। इसकी जो इंडस्ट्री है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मीडियम स्मॉल है। इस सेक्टर में जो नंबर वन कंपनी है एम्फेसिस है, देन एलएनटी टेक्नोलॉजी, उसके बाद ओरेकल फिंस सर्विसेज है, देन उसके बाद टाटा इलेक्सी है, देन कोफॉर्ग है, उसके बाद परसिस्टेंट सिस्टम है, 7 नंबर पर हैप्पीएस्ट माइंड है, 8 नंबर पर वर्चुअल ग्लोबल है। हम इसका क्वार्टरली जो चेक करते हैं, 2018 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी वो थी 0.15 करोड़ की, और जून 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है वो है 0.04 करोड़ की। अभी लॉस्ट स्टेट में चेक करते हैं, मार्च 2006 में जो इसका नेट प्रॉफिट था वो था 0.05 करोड़ का, और मार्च 2021 में जो इसका नेट प्रॉफिट है वो है 0.30 करोड़ का।
अदर डिटेल चेक करते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स -22%, 5 ईयर्स में है -55%, 3 ईयर्स में है -74%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स में है 22%, 5 ईयर्स में है -33%, 3 ईयर्स में -50%, स्टॉक प्राइस एजीआर 5 ईयर्स में -29%, 3 ईयर्स में 7%, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में 2%, 5 ईयर्स में है 2% एंड 3 ईयर्स में है 1%। हम इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं, मार्च 2006 में जो इसकी टोटल एसेट थी वो थी 15.04 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी टोटल एसेट्स है वो है 82.68 करोड़ की है। कैश फ्लो चेक करते हैं, मार्च 2011 में जो इसका नेट कैश फ्लो था वो था 0.04 करोड़ का, और मार्च 2020 में जो नेट कैश फ्लो है वो है -1.91 करोड़ का। रेशियो चेक करते हैं, मार्च 2006 में जो इसका ROC था वो था 0.96 करोड़ का, 96% का था, और मार्च 2021 में जो इसका ROC है वो है 0.66% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं, सितंबर 2018 में प्रमोटर पास जो शेयर थे 23.13% शेयर थे, और जून 2021 में प्रमोटर पास जो शेयर है 23.13% शेयर है। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। सितंबर 2018 में FIS के पास जो शेयर थे 5.53% शेयर थे, और जून 2021 में FIS के पास जो शेयर है 5.53% शेयर। दोस्तों यहाँ FIS ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। FIS जब किसी भी स्टॉक की ग्रोथ के प्रति सकारात्मक हो तब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सितंबर 2018 में DI के पास जो शेयर थे 0.02% शेयर थे, और जून 2021 में DI के पास जो शेयर हैं 0.02% शेयर है। यहाँ पर DI ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है 0.02% की। सितंबर 2018 में पब्लिक के पास जो शेयर थे 71.32% शेयर थे, और जून 2021 में पब्लिक के पास जो शेयर हैं 71.32% है। तो दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जिसमें प्रमोटर्स, FIS, DI, पब्लिक सभी के पास ये शेयर है। तो दोस्तों हमने डिटेल एनालिसिस किया वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड का। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।